हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे मार्बल केक की रेसिपी बताऊंगी कि मार्बल केक हम कैसे घर पे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। मैदा हम इस कप से, घर में आपका कोई भी कप हो, कोई भी एक कटोरी हो या कप हो, उससे आप मेजर कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 कप मैदा लिया, 3 कप मैदा और 2 कप शुगर, इस कप में मेजर किया है मैंने। ठीक है, 2 कप शुगर, 1 कप रिफाइंड ऑयल, बस आप सरसों का तेल नहीं लेंगे और बटर नहीं लेंगे, ये है रिफाइंड ऑयल। तो 1 कप रिफाइंड ऑयल और ये है मिल्क, 2 कप मिल्क, और जितना हमें इस बैटर में रिक्वायर्ड होगी उतना हम इस मिल्क को यूज करेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम उसमें डालेंगे वेनिला, वेनिला एसेंस और बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा और कोको पाउडर, कोको पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। ओके, तो अब हम मार्बल केक है वो इस वाले ओवन में बनाऊंगी। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम अपने इस ओवन को, ये एल्युमिनियम का ओवन होता है, ये देखें, इसमें एक ये जाली होती है, तो इस जाली को हमें इसमें रखना है और इसे ऐसे बंद करके 10 मिनट्स के लिए गर्म करना है, प्री हीट के लिए। ठीक है, अब हम इसे प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसमें अपना जो केक का बैटर बनाएंगे वो रखेंगे, तब हम इसे छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए। जब तक ओवन प्री हीट हो रहा है तब तक हम इसमें बैटर बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा भगोना लेंगे, उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, 1 कप। अब आप सोचेंगे रिफाइंड ऑयल से केक बना रहे हैं, हाँ, तो रिफाइंड ऑयल से केक अच्छा बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप शुगर, 2 कप शुगर, शुगर घर में ही पीसी हुई है, आप भी इसे घर पे हमेशा मेजर, पीसने के बाद शुगर को मेजर करें, उससे पहले आप ना करें, जब शुगर पीस ले तब। तो 1 कप शुगर, अब हम इसे ऐसे मिक्स करेंगे, ये देखिए ऑयल और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे ऐसे मिक्स करना, मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा, 2 कप मिल्क है तो हम इसमें पहले 1/2 कप मिल्क डालेंगे, 1 कप मिल्क डालेंगे, सॉरी। मिल्क में जो हमारा जो मलाई होती है ना वो आप रहने दीजिएगा, मलाई के साथ केक अच्छा आता है, तो आप इसमें पहले 1 कप मिल्क डाल दीजिए। अब हम इसे ऐसे मिक्स करेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे, ऐसे अच्छे से इसे शुगर मिल्क और ऑयल ये तीनों अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे मिक्स कर लीजिए। इसमें ऐड करेंगे मैदा जो कि 3 कप है, इस कप में 3 कप है, मिल्क पाउडर ये 1/2 कटोरी है, इस कप में 1/2 कप मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हम 2 टेबलस्पून डालेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, और 1 टेबलस्पून खाने का सोडा, एकदम भर के नहीं डालेंगे, इसे कम ही डालते हैं, ये 1 टेबलस्पून खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं ना वो, और इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस हर केक में जाता है,
तो हम इसमें डालेंगे 1 स्पून वेनिला एसेंस। और अब इन्हें हम मिक्स कर देंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और एक ही साइड मिक्स करते हैं, है ना। हम ऐसे और ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, आप देख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो फिर हम इसे ऐसे मिक्स कर देंगे। जब हमें लगे कि हमारा बैटर अब थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा ये ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क, और मिल्क ऐड कर दीजिए। हमें सारा मिल्क एक साथ नहीं डालना है, याद रखिएगा, वरना सारा ये हमारा जो बैटर है हो सकता है बहुत ज्यादा गीला हो जाए, तो इसलिए आपको 1 कप तो डाल दीजिए अगर आप इतना बना रहे हैं तो। फिर उसके बाद आपको इसे जब जरूरत पड़ेगी तब आप मिल्क और ऐड करेंगे। ये देखिए, इसे आप इस तरीके से फेटेंगे, फेटना हमेशा एक साइड ही है, ऐसे करके ही फेटेंगे। इसमें जो भी थोड़े से लम्स दिख रहे हैं वो हम उन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी बैटर थिक है, देख रहे हैं आप, बैटर अभी थोड़ा सा थिक है, इसे हम थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करते हैं। मिक्स करते जाएंगे, एक एक बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और कभी भी किसी भी छोटे फंक्शन में, कभी भी जब भी मन करे तब, या कोई फंक्शन हो, किसी का बर्थडे हो, तो आप बाजार से क्यों लें, आप घर पे बनाइए। जब सब चीजें घर पे बन जाती है तो हम बाजार से क्यों लें, है ना। तो ट्राई तो कीजिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए केक कैसे बनेगा, आप एक बार ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक बार बिगड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। तो अभी हमारा बैटर रेडी हो गया है, ये देखिए, इस तरीके से बैटर होना चाहिए। इसमें शाइनिंग सी, एकदम क्रीमी सा ऐसा लगेगा, जैसा क्रीम है, आप देख सकते हैं, ये क्रीम की तरह बैटर हो गया, बैटर में बड़ी अच्छी खुशबू भी आने लगी है। ये हो गया। जैसे कि आपको पता है कि आज हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक, तो उसके लिए हमें कोको पाउडर भी डालना होगा चॉकलेट फ्लेवर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बैटर को डिवाइड कर लेंगे, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये इसमें मैंने शुगर ही लिया था, तो इसी में मैं थोड़ा सा बैटर निकाल लेती हूँ। कुकर में आप कैसे बनाएं मैं ये बताती हूँ। कुकर में बनाने के लिए 5 लीटर का कुकर ले लीजिए, उसमें आप एक जाली रखिए, जाली ना हो आपके पास तो एक कटोरी रख लीजिए, आप इस तरीके की भी कटोरी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये ज्यादा हाइट में है तो आप कम हाइट की जैसे प्लेट होगी वो रख लीजिए ऐसे उल्टी करके कुकर पे, और या तो गैस, जो गैस होता है ना, गैस की हमारी ऐसी जाली होती है प्लेट, तो आप वो भी रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप इसे रखेंगे। उससे पहले जैसे मैंने अवन को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट के लिए छोड़ा है, सेम आपको कुकर को भी प्री हीट करना होगा। प्री हीट करने उससे भी 10 मिनट के लिए, जो बड़ा वाला बर्नर होता है हमारे, जिसका 3 वाला बर्नर है, उसमें जो सबसे बड़ा वाला बर्नर है, जिसमें 2 बर्नर का गैस है जिसके पास, उसके पास जो बड़ा वाला बर्नर है, उसमें आप क्या कहने मीडियम हीट पे आपको कुकर प्री हीट करना है कम से कम 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद फिर उसमें हम ये रख देंगे, और फिर उसके आप याद रखिएगा विसिल और उसकी वॉशर रबड़ जो वो हम निकाल दिए, फिर उसके बाद हम उसको रख के और फिर हम उसमें बेक करेंगे। अब चलिए अब हम इसे अवन में रखते हैं। अब अवन मेरा प्री हीट हो चुका है, अब मैं इसमें ये बैटर रखूंगी। केयरफुली कीजिएगा क्योंकि अवन गर्म होगा, तो ये देखिए मैं जिस जाली के बारे में बात कर रही थी, इस तरीके की जाली अगर आपके पास है तो आप इतनी बड़ी कुकर में अगर आ सके, इस टाइप की ये जाली आपको कुकर में भी रखनी है। अब हम इसे इस तरीके से रख देंगे, मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ, ठीक। और अब हम इसे
20 मिनट्स तक अब हम इसे बिल्कुल नहीं खोलेंगे, 20 मिनट्स के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। 20 मिनट्स के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और 20 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे। आपको कुकर में भी सेम 20 मिनट्स के बाद ही कुकर चेक करना है और उसे हम मीडियम कुकर में जब बनाते हैं तो मीडियम फ्लेम में हमें रखना होगा। मिनट हो गए, अब हम अपना केक चेक करते हैं कि ये बेक हुआ है कि नहीं। केक जो है वो टिन से टिन को छोड़ दिया है, मतलब इधर साइड साइड में ना थोड़ा थोड़ा सा ये गैप होने लगा है, इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। दूसरा तरीका, आप इससे नाइफ से आप ऐसे सेंटर में ऐसे डाल के देखेंगे, एकदम क्लीन नाइफ आएगा। अगर इसमें बाय द वे अगर आपका केक नहीं बेक हुआ होगा तो वो इसमें चिपका हुआ रहेगा, तो हम इसकी इसे पांच मिनट के लिए और बेक कर देंगे। मतलब हम इसे बेक करेंगे 5 मिनट के लिए, और जब तक इसे बेक करना होगा जब तक ये नाइफ एकदम क्लीन ना आ जाए। तो ये हमारा केक अभी बेक हो चुका है और इसे मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है लेकिन मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये साइड साइड से ना छोड़ चुका है ना, ये इसने टिन को छोड़ दिया, इसका मतलब है कि केक बेक हो चुका है। अगर अभी मैं इसे डीमोल्ड करती हूँ तो मेरा केक ये टूट जाएगा, तो इसीलिए आप कभी भी गर्म में केक डीमोल्ड ना करें। गरम गरम केक डीमोल्ड करेंगे तो केक अक्सर टूट जाते हैं, तो इसीलिए केक को ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करें। तो हम इसे 1 से 2 घंटे ठंडा होने के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद इसे हम डीमोल्ड करते हैं। अब ये केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, इसे मैंने 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप देखेंगे ये ठंडा हो चुका, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो डीमोल्ड करने से पहले हमें सबसे पहले नाइफ से इनकी साइड्स में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, थोड़ा सा इसे टैप कीजिएगा और ये देखिए ये इजिली निकल गया। ये देखिए ये देखिए केक को देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप केक बनाएंगे। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट बना है ये आप देख सकते हैं। ये रहा, आप देखिए इसकी लेयर्स देखिए, मैं आपको इसको और पास से दिखाती हूँ। इसकी लेयर, इसे हम मार्बल केक कहते हैं। ओके, तो अब आप इसे खाइए और अपने घर पे जरूर बनाइए। मैं आपको और पास से केक इसके अंदर की वो दिखाती हूँ डिजाइन की। इसको इस तरीके से अगर हम डालते हैं तो इसके अंदर की डिजाइन कितनी बढ़िया आती है। मैं एक पीस और कट करके फिर आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए केक की डिजाइन देख रहे हैं आप, कितना केक राइज हुआ है और ये बहुत टेस्टी भी है। तो अगर आपको मेरी ये केक बनाने की रेसिपी बहुत पसंद आई है तो प्लीज इसे आप घर पे जरूर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और बाहर मार्केट का मत दीजिए। अभी कोरोना का वैसे भी बहुत डर है, तो अपने घर पे ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को हेल्दी खिलाइए। ओके, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, बाय।